चलिए बच्चों, सभी लोग को नमस्कार। मैं रवि कुमार, आज जुड़ गए एक नई जानकारी को लेकर के। नई जानकारी में हम आते हैं आज आपके साथ, जो कि आपको था इंतजार, और वो इंतजार पेपरों में देख रहे थे। ये रेलवे बोर्ड ने इस बार अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है भाई। आरआरबी एनटीपीसी यानी आरआरबी 12th वालों के लिए भी है और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी, 12th वालों के लिए भी है और ग्रेजुएशन वालों के भी। कौन सी सीटें किस प्रकार विभाजित की है, कब से फॉर्म को अप्लाई करना है, कब एग्जाम होगा, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं भाई। चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखिए लेकर आया है आरआरबी, तो आप देखिए भाई, सभी लोग देखिए गौर से। ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आया है ये, ठीक है, 6/2024, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया है, देखिए ध्यान से आप जूम करके पढ़िए। 14/9/2024, 14/9/2024 से फॉर्म की अप्लाई शुरू हो जाएगी भाई। फॉर्म भरना शुरू 14/9/2024, सितंबर महीने में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी भैया। देखिए ये फॉर्म की अंतिम डेट रहेगी 13/10/2024, 13/10/2024 रहेगी अंतिम डेट। आ देखिए क्या क्या लाए हैं, क्या क्या नहीं लाए, देखिए ध्यान से भाई। चीफ कमीशन यानी ठीक है, सीसी का टिकट सब ठीक है, सबका ये लेवल है, इसमें कितना पेमेंट है, ये सारा टोटल वैकेंसी ग्रेजुएशन देखते हैं भैया। देखिए आज जूम करके देखिए भाई, जूम करके देखिए भाई, जूम करके देखिए, 8113 सीटें हैं टोटल सीटें हैं भैया, 8113 सीटें हैं। और उम्र देख सकते हैं भाई, उम्र देखिए V2 में 18 से 36 है न्यूनतम, और 18 से 36 में भी 18 से 36, यानी लगभग सभी रेलवे ग्रेजुएशन वाला में न्यूनतम आयु रखा गया है 18 साल और अधिकतम आयु रखा गया है 36 साल भाई। यहां देख लीजिए ये सीरीज है, किस प्रकार की नौकरियां मेडिकल स्टैंडर्ड में जाया जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए ध्यान से, कौन से कितने वैकेंसीज, कौन कौन से अलग वाला में है, टोटल वैकेंसी इतना है भाई। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग भाई। देखिए ये बढ़ाते हैं हम लोग यानी ग्रेजुएशन वाला में नहीं, अब ये आते हैं हम लोग यानी कि 12th पास वालों के लिए 3445 सीटें हैं, 12th वालों के लिए 3445 सीटें हैं, ये 12th वालों के लिए। इसके लिए देखिए अधिकतम उम्र जो है 33 साल, न्यूनतम उम्र है 18 साल। ये भी सभी वैकेंसीज में चार कैटेगरी में भाई, आपको देखिए ध्यान से इसमें कौन कौन सी नौकरियां मिलेगी, आप देख सकते हैं भाई। ट्रेन क्लर्क में जूनियर क्लर्क एंड कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क एंड कम टाइपिस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये सारे वैकेंसी आपको हैं। आज देखिए ध्यान से, इसका फॉर्म अप्लाई होगा 21/9/2024 से और 20/10/2024 तक। तो भैया सभी लोग अपने अपने यानी कि तैयार हो जाएं, और इसकी संभावित एग्जाम के बारे में भी नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत जल्दी एग्जाम लिया जाएगा। और सीबीटी 1, 2 और 3, देखिए ध्यान से सभी का सीबीटी होगा, और 2 और 3 जो होगा 12th वालों को होगा, और 4, 5, 6 जो होंगे भाई वो होंगे किसके लिए, ग्रेजुएशन के लिए। तो आप सभी लोग भाई लग जाइए, और मेहनत के साथ आपको वही सिलेबस रहेंगे, सिलेबस में मैथ रीजनिंग जीके आएंगे भाई, और इस बार करेंट अफेयर और साइंस पेपर को ज्यादा देखा जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अध्ययन किया है इसके बारे में, तो देखा है कि रेलवे में करंट अफेयर की बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही बेहद रुचिनामा है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग देर ना करें और रेलवे की फोकस करते हुए सभी लोग जुड़ जाइए भैया, सभी लोग जुड़ जाइए रेलवे में और लग जाइए। और देखिए 5 सितंबर के बाद ये आएगी जीडी की भी नोटिफिकेशन, तो सारे नोटिफिकेशन का मैं अपडेट देते रहूंगा, इसलिए जो लोग पहली बार हैं वो लोग कंटेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, और हर बार वीडियो की आएगी आएगी ही आपकी। और मैथ के लिए स्पेशल, रीजनिंग के लिए स्पेशल बैच लॉन्च होंगे सारे फ्री में भाई,
सारे फ्री में, और वो सारा क्वेश्चंस को हल किया जाएगा। जो भी क्वेश्चंस रेलवे में एनटीपीसी में पूछे हैं सारे अपडेट कराए जाएंगे। सब में तरीका बताया जाएगा कि एग्जाम की व्यू कैसे बनाना है, एग्जाम में कैसे करना है, आप रूम पे रह रहे हैं तो कैसे बनाओगे, एग्जाम में कैसे बनाओगे, ये भी तो बड़ा माइंड मेकअप करना है भाई। तो सभी बच्चों आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दें। जय हिंद।